हेलो गाइस, आज मैं निकल गई हूँ पूरा सज धज के रेडिसन में ब्रेकफास्ट के लिए। पर यहाँ पर रास्ते में मुझे जाते जाते पता चला कि हमारा रेडिसन का जो टाइम है वो आउट हो चुका और हमारे लिए वहाँ के दरवाजे जो है वो बंद हो चुके हैं। तो वहाँ पर हमारी एंट्री अब नहीं है क्योंकि अब वहाँ पर है लंच टाइम। तो इसी अफसोस को सीने में समेटे हुए अब हम निकल गए कहीं और अपनी भूख को शांत करने, यानी कि कहीं और ब्रेकफास्ट ढूंढने। तो ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए गुड़गांव तक, और गुड़गांव के हम एक कैफे में पहुंच गए जिसका नाम है गार्डन लवर्स। तो गाइज, यहाँ पर आ चुके हैं हम गार्डन लवर्स कैफे में। अब इसका नाम गार्डन क्यों है? इसका नाम गार्डन इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से पूरी ग्रीनरी करने की कोशिश की है, जो कि हैट्स ऑफ, क्योंकि इन्होंने पूरा जो है यहाँ पर गमले लगाए हुए हैं। यहाँ पर जितने भी इन्होंने फ्लावर पॉट्स लगाए हुए हैं, और फ्लावर पॉट्स में जो है ओरिजिनल फ्लावर्स को मेंटेन रखना नॉट इजी वर्क, तो इस बात के लिए इनके लिए बनती है क्लैपिंग। तो चलो अब चलते हैं आगे, क्योंकि ये तो रहा आउटसाइड का पूरा व्यू। और अच्छे से शूट करने का मन था पर सॉरी गाइज, बहुत तेज भूख लगी है, पेट की बात भी सुननी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, भूखे पेट तो ना भजन कुछ भी नहीं होता, तो फिर वही वाली बात यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। मुझे लग रही है बहुत जबरदस्त भूख। तो यहाँ था ये इंडोर का पूरा इनका व्यू। अब इसमें कुछ हो सकता है, कुछ आर्टिफिशियल जो है फ्लावर्स हो, बट मोस्टली जो है वो ओरिजिनल फ्लावर्स है। और इंडोर प्लांट्स को जो है मेंटेन रखना नॉट 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 इजी वर्क अगेन। तो फिर अप्रिशिएट करूंगी मैं इनको इस बात के लिए। तो यहाँ पर ये इनका पूरा व्यू जो है बिल्कुल काउंटर के साथ में भी पूरी ग्रीनरी है, और नीचे की तरफ में सिर्फ दो सीट थी। तो मैंने सोचा ये तो चलो ठीक है, चलो ऊपर की तरफ भी चल के देखते हैं कि ऊपर क्या है, ऊपर भी एक्सप्लोर करना तो बनता है ना। तो बस इसी के साथ में चली गई ऊपर, थोड़ा सा अपनी भूख को कंट्रोल करते हुए कि कोई बात नहीं, थोड़ी लेट खा लेंगे, इट्स ओके, एक्सप्लोर तो करना बनता है ना। भूख तो वैसे इतनी जबरदस्त थी ना कि मेरा बस चल रहा था ना, तो मैं आते ही घुसते बैठती और ऑर्डर मारती विदाउट एक्सप्लोरिंग। पर मैंने कहा नहीं, चलो कंट्रोल करते हैं और पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये आ गई हूँ मैं ऊपर वाले फ्लोर पर, और आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर भी इन्होंने जितना हो सकता है उतना इसको ग्रीन करने की कोशिश की है, क्योंकि इनका नाम ही है गार्डन लवर्स। अब यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट करते हुए और टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सोचने में, ये डिसाइड करने में कि कौन सी सीट पर बैठा जाए। तो फाइनली हमने डिसाइड की बिल्कुल वॉल के साथ वाली सीट। और ये देखो ये व्यू, मैं अपनी भूख को फिर से कंट्रोल करते हुए मैंने कैप्चर किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। इसके लिए अप्रिशिएशन मुझे बनता है। ये मैंने शूट करा है पूरा ये दिखाने को कि देखो इनका ये आउटसाइड सिटिंग भी कितना प्यारा है, पूरा फुल ऑफ गार्डन व्यू है, और पूरा जो है ये पेड़ पौधों से कवर हो रखा है। तो जब अगर आप नाइट में यहाँ पर बैठ के कुछ भी अपना एंजॉय करेंगे, फूड, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसलिए ये मैंने आप लोगों के लिए कवर किया है। और गाइज आगे बढ़ते हैं, ये है इनका यहाँ का मेन्यू गार्डन लवर्स का। बट सीरियसली इनके मेन्यूज को देख के, कैफे के जब ऐसे मेन्यूज होते हैं ना जो ये अपना अपने आप को अतरंगी बनाने की कोशिश करते हैं, इनके ये सारे मेन्यूज को देख के मुझे ऐसा लगता है इनके नाम कौन डिसाइड करता है यार। मुझे उस बंदे से मिलवा दो जो ये मेन्यू डिसाइड करता है। सीरियसली यार, कैसे ये लोग इतने ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं जिनको पढ़ के भी ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या ही होगा। और आती है तो एक सिंपल सी डिश, सिंपल सा ही सब कुछ होता है, और नाम दे देते इतना टिपिकल, इतना डिफिकल्ट, जैसे पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। और देखो गाइज, यहाँ पर इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है, पहले ही आपको अवेयर कर रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप नेचर को खराब ना करें। बट क्या करें, हम जानते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर जब आपके साथ भी आपके बच्चे होंगे ना, आप इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ टिश्यू जो है वो ज्यादा यूज हो ही जाते हैं। यहाँ पर आपको रखनी चाहिए टॉवल्स। तो गाइज इसी के साथ अब आगे ये आ चुकी है मेरी कॉफी। यहाँ पर मैंने ऑर्डर की थी अपनी लाटे कॉफी और घनिष्ठ की कॉफी, आई डोंट नो कौन सी थी, मैं नाम भूल चुकी हूँ। और यहाँ पर प्रक्ष के लिए मंगाया था स्ट्रॉबेरी शेक। तो मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, खाली कॉफी पीने का तो बिल्कुल मन नहीं था, पर इन्होंने पहले ही ला के रख दी मेरे सामने कॉफी। तो मैंने सोचा कुछ ना से तो कुछ होना बेहतर है ना, तो तब तक अपनी कॉफी को इंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने प्रक्ष को भी स्ट्रॉबेरी शेक पिलाया, एक
सिप मैं उसे पिला रही थी, एक सिप मैं पी रही थी, और यहाँ पर वही मेरा मदर वाला रूप बाहर आ चुका है। मैं उसे डांट रही हूँ कि डोंट टच इट, ये टच नहीं करना, वो टच नहीं करना, पर मेरे डांटने से कौन सा रुकने वाला था। फिर भी वो रुकता तो वो वैसे भी नहीं ही है। और यहाँ पर फाइनली 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 आ चुका है कुछ मील, यानी कि मेरा यमी यमी ब्रेकफास्ट। और वो क्या है, वो है आवाकाडो सैंडविच। तो यहाँ पर मुझे इनका ये आवाकाडो सैंडविच बहुत अच्छा लगा, और इनका ये जो ग्रीन सैलड था ये बहुत ही, इसमें जो एक खट्टा सा टेस्ट था ना, वो बहुत टेस्टी इन्होंने टेस्ट डाला हुआ था। तो ये ऑल ओवर मुझे बहुत टेस्टी लगा। और पर मैं ये सोच रही हूँ क्या मैं इतनी दूर फिर से ये आवोकाडो सैंडविच खाने जा सकती हूँ। अब डिपेंड्स करता है कि मेरी क्रेविंग पे, कि अगर मुझे दोबारा दिल करा तो मैं एक बार ज़रूर जाना चाहूँगी। वैसे बहुत दूर पड़ेगा मेरे लिए, पर अगर आप लोग जो भी गुड़गांव में रहते हैं और आप लोगों को आवोकाडो सैंडविच खाना है, तो प्लीज़ यहाँ पर विजिट कर सक करिए और यहाँ का ये जो है टेस्ट आप लेके आइए। बहुत यमी है, बहुत ही, एक्चुअली मैं इसे बोलूँगी सात्विक है, क्योंकि ये बिल्कुल जो भी डाइट पे हैं और एक दिन आपको बाहर का फूड खाना है, तो आप यहाँ पर जाके इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये देखो, ये यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ये पूरा मिरर व्यू है, तो आप बाहर का जो है बिल्कुल आराम से क्लियरली देख सकते हैं। और यहाँ पर चल रही है मेरे बच्चे की मस्ती, मैं उसे कितना ही डांट लूँ कितना ही समझा लूँ, बैठ तो उसने कहीं भी जाना है, कहीं भी फैल ही जाना है। तो यहाँ पर भी अब वो बैठ गया है वहां पर दूर चेयर पे, और जैसे जैसे उसके पापा मुंह बना रहे हैं वो भी वैसे वैसे कॉपी कर रहा है। ये बचपन में तो कभी घुटने चला नहीं है, पर आज इसे पता नहीं क्या हो गया, कौन सा इसका दिल कर रहा है तो ये घुटने चल रहा है, और घुटने चलने वाली उम्र में कभी घुटने नहीं चलाया। और यहाँ पर अब वो हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट, मैंने कर लिया है अपना यमी यमी सा ब्रेकफास्ट फिनिश। फाइनली फाइनली रेडिसन से धक्के खाने के बाद हम आप पहुंचे थे गार्डन लवर्स में। तो यहाँ पर मुझे कुछ ब्रेकफास्ट तो मिल ही गया, और वो भी थोड़ा सा मन पसंद का। पर यहाँ पर मैंने और ज़्यादा कुछ खाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे भूख लगते 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 मेरे पेट को आदत हो गई थी भूखा रहने की। यहाँ पर बज गए थे 12:30, तो इसलिए मैंने ज़्यादा अपने ऊपर अत्याचार ना करते हुए, क्योंकि एकदम से सब कुछ खाना ठूसने से जो है दिक्कत हो जाती है, तो मैंने लिमिटेड ही फूड खाया। और आप लोगों को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मीलों दूर चलकर मैं तो आ गई थी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने, पर अगर आप मीलों दूर नहीं चलना चाहते और जो भी गुड़गांव के आसपास लोग हैं, तो इस गार्डन लवर्स कैफे में आप विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्ट भी है इसके अंदर, और लिमिटेड टेस्ट है, नॉन स्पाइसी है, और बहुत ही सिंपल सा फूड है, बहुत सिंपल है। तो आप चाहें तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जो भी मेरे टेस्ट के हिसाब के हैं, जिन्हें सिंपल खाना ज़्यादा पसंद आता है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।